अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुनैद मुशीर और आज हम ऑफिस के अंदर पिछले टॉपिक में, जैसे हमने हेडर एंड फुटर के बारे में पढ़ा था, और आज हमने देखना है कि टेक्स्ट क्या होता है और टेक्स्ट के अंदर क्या काम हम कर सकते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको मुख्तलिफ स्टाइल के बॉक्स दे देगा कि आप इसमें से कौन सा बॉक्स चूज़ करते हैं। तो मैं एक चूज़ कर देता हूँ और इसको जाना मैं यहाँ से उठा के जहाँ पे भी अपनी मर्ज़ी से इसको रख देता हूँ, और इसको भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आप इसको रोटेट भी करा सकते हैं ये ग्रीन बटन से, और आप इसका कलर भी मुख्तलिफ डिज़ाइन के साथ इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये चेंज करने के बाद आप इसके अंदर कुछ अपनी इंट्रोडक्शन वगैरह लिखते हैं या स्टिकी नोट्स जैसे होते हैं उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, इस वजह से मैं कुछ जो है ना पहले ही लिख लेता हूँ और इसमें पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये मैं पेस्ट करने के बाद ये अब आपके सामने ये बटन आ रहा है शेप का, ठीक है। इसके यहाँ से तो आपको पता चल गया कि टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल में आप यहाँ से स्टाइल चेंज करते हैं और शेप फिल है यहाँ पे, आप शेप की जो है ना कोई कलर आप फिल कर सकते हैं यहाँ से। आप ये इसको फिल कर देते हैं। अच्छा, आउटलाइन, जो आउटलाइन ये आ रहा है ये कलर आप कौन सा रखना चाहते हैं आप ये यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और शेप आपकी क्या होनी चाहिए, आपके टेक्स्ट की शेप क्या होनी चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है, आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये इसी शेप में बन गया, ठीक है। और ये है शेडो, शेडो इफेक्ट। शेडो इफेक्ट के अंदर आप देखें कि ये मुख्तलिफ डिज़ाइन के शेडो आपको मिल रहे हैं, आप जिस तरह के डिज़ाइन भी सिलेक्ट करते हैं वो करके आप इसका शेडो यहाँ से जो है ना ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आप शेडो इसका जिस तरह भी रोटेट कराना चाहें आप करा सकते हैं, ठीक है। और ये आ रहा है 3D इफेक्ट, यहाँ से आप 3D इफेक्ट के ऊपर जाएंगे तो ये आपको मुख्तलिफ 3D इफेक्ट्स देगा। आप यहाँ से आप इसका जो है ना इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इफेक्ट मैं दे देता हूँ इसको, ये ठीक लग रहा है मुझे, मैं ये दे देता हूँ। और फिर आ जाता हूँ कलर के अंदर, यहाँ पे ये देखें 3D कलर आ रहे हैं, यहाँ से मैं 3D कलर कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। अच्छा, आप यहाँ से शेडो इसका भी चेंज कर सकते हैं कि आप किस तरह किस साइड पे शेडो बनाना चाहते हैं। तो सॉरी, इसके बाद यहाँ से जो है ना आप पोजीशन इसकी सेट कर सकते हैं कि ये सेंटर में होना चाहिए, ये राइट होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, पेज के यानी कि बिल्कुल पेज के सेंटर में होना चाहिए, जहाँ भी आप इसकी पोजीशन सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। और यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग के ज़रिए आप इसको टाइट करके ना आप इसको मूव भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी मर्जी से मूव कराना चाहें वो भी करा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप इसको रोटेट भी यहाँ से करा सकते हैं, जितना डिग्री यहाँ से जो है ना 90 डिग्री है, फ्लिप वर्टिकल है, राइट लेफ्ट, जहाँ भी आप कराना चाहें वो भी करा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं, इसको हम डिलीट करके, अच्छा ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे वर्ल्ड आर्ट। वर्ल्ड आर्ट के अंदर बेसिकली होता यह है कि आप मुख्तलिफ डिज़ाइन किया यहाँ से वर्ल्ड कोई चूज़ करके ना आप उसको अपने पेज के ऊपर दे सकते हैं। मैं जैसे ये सिलेक्ट करता हूँ, आप यहाँ से कोई इसका जितना रखना चाहें वो रख सकते हैं, और इसको बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें, यहाँ से कोई और जो है ना यानी कि ये देखें इसका स्टाइल भी, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ओके कर दें, और फिर यहाँ पे आपको जो है ना ये मिल जाएगा। आप इसको आप देखेंगे मूव नहीं करा सकते यहाँ से, तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि इसको पहले टेक्स्ट रैपिंग में जाके इसको टाइट करना पड़ता है, टाइट करेंगे तो ये खुद ब खुद ही मूव हो जाएगा। और यहाँ से जो है ना इसको रोटेट भी जिस तरह कराना चाहें वो भी करा सकते हैं, और ये जो है ना इसको भी थोड़ा आप चेंज यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद दोबारा इंसर्ट पे आते हैं, इंसर्ट पे आने के बाद हम यहाँ से जो है ना सॉरी इसको जो है ना आप यहाँ से भी इसके स्टाइल
जिस स्टाइल में यहाँ से देना चाहें वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो आप दे दें। और इसका जो है ना, ये भी इसकी मोर शेप्स के अंदर, वर्ल्ड आर्ट स्टाइल के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं आपको जो मुख्तलिफ स्टाइल मिल रहे हैं, आप जो भी यहाँ से देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे कि मैं ये दे देता हूँ ये, ठीक है। ये इसको देने के बाद यहाँ पे आप शेडो भी यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से शेडो सेट करने के बाद आप यहाँ से इसको 3D इफेक्ट इसको भी दे सकते हैं, आप अपने मतलब जिस तरह का भी आप इसको बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। आप यहाँ से शेडो इफेक्ट के अंदर जाके और वर्ल्ड स्टाइल के अंदर जाके और अरेंजमेंट के अंदर जाके इसको सेट कर सकते हैं, और इसकी पोजीशन भी पेज की सेट कर सकते हैं, सेंटर हॉल हाफ में या फिर राइट साइड पे, जहाँ पे भी आप रखना चाहेंगे रख सकते हैं। मेरे पास टाइम थोड़ा है, इस वजह से मैं पहले एक ही दवा आपको बता देता हूँ, बाकी जो है ना आप खुद ही चेक कर लिया करें। अच्छा, ये है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट के अंदर आप यहाँ से जो है ना कोई, यहाँ से कोई जो है ना, यह है क्विक पार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। यहाँ पे जो है ना आप कोई भी यहाँ से चूज़ करके ना कंपनी का या ईमेल एड्रेस, कंपनी ईमेल एड्रेस या फिर कंपनी एड्रेस या फिर कमेंट्स वगैरह, कैटेगरी, ऑथर, मतलब जो भी यहाँ पे आप टाइटल वगैरह सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट करके ना इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना हर जगह पे आपको ये टाइटल के तौर पर ही शो कराएगा। अच्छा, इसके बाद है सिग्नेचर लाइन। यहाँ से आप, मेरे पास मेट अवेलेबल नहीं है, इस वजह से जो है ना आप, मैं यहाँ से नहीं आपको बता सकता कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर लिया जा सकता है, ठीक है। आप यहाँ से जो है ना सिग्नेचर के अंदर जाके यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज खुलेगा नेट के ऊपर, आपको वो जो है ना आपकी सिग्नेचर लाइन का जो है ना सर्विस दे देगा, ठीक है। इसके बाद है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम आप यहाँ जैसे ही डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे आके ना अपडेट ऑटोमेटिकली कर पर क्लिक करके ओके कर देंगे, तो ये देखें आज की जो डेट है ये यहाँ पे शो हो रही है। और अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप, ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर आप यहाँ से ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बहुत से जो है ना यहाँ पे ये दे रहा है, सॉफ्टवेयर का बता रहा है कि आप किसी सॉफ्टवेयर से कोई फाइल लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, एक्सेल से, बाइनरी, बिटमैप इमेज, या फिर फॉक्स रीडर से कोई डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन से कुछ लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने लिया तो यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसके बाद अब सैम्पल, सैम्पल के अंदर आप देख रहे हैं ये है सैम्पल। सैम्पल के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे और नीचे आ रहा है मोर सैम्पल। मोर सैम्पल पे क्लिक करने के बाद आपको ये देखें ये बहुत से सैम्पल मिल रहे हैं, आप जो भी यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें, यहाँ से चेंज भी करते जाएं और अपने मर्जी का जो जो है सैम्पल है वो सिलेक्ट करके ना इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपका इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये सैम्पल इंसर्ट हो गया। अच्छा, मेन बात जो सैम्पल में बताने वाली है वो ये है कि आप कोई इक्वेशन लेते हैं, मिसाल के तौर पर कोई फार्मूला वगैरह लगाना चाहते हैं अपने इसके अंदर पेज के ऊपर, कोई मैथ का फार्मूला लगाना चाहते हैं, जैसे साइन अल्फा प्लस माइनस बीटा, साइन प्लस माइनस साइन बीटा एंड इज इक्वल टू टू साइन, मतलब जो भी आप फार्मूला यहाँ से लगाना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करें। सॉरी, पहले मैं इसको डिलीट कर दूँ ताकि ये, अच्छा अब दोबारा आते हैं इंसर्ट के ऊपर, सैम्पल के अंदर, ओ सॉरी इक्वेशन के अंदर, और इक्वेशन से जो है ना हम कोई इक्वेशन यहाँ से उठाते हैं, कोई भी आप जिस तरह की इक्वेशन उठाना चाहें वो उठा के आप इसको जो है ना मुख्तलिफ से साइन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कॉस भी लिख सकते हैं, कॉसिक भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ पे लिख के ना दरमियान में मल्टीप्लाई का निशान या डॉट का निशान या जो भी यहाँ पे आप चेंज करना चाहें वो
आपका जो फार्मूला होता है वो चेंज करके वो दे सकते हैं। बेसिकली मैथ मैथ के जो पेपर बनते हैं ना बोर्ड के या कोई भी, वो यहाँ से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये है एसेंट वगैरह, और यहाँ से आप इसको जो है ना मुख्तलिफ सिग्मा वगैरह भी है, सुमिशन वगैरह, और ये जितना भी आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ से आप जो है ना ये भी चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप आज का ट्यूटोरियल आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेल के ऊपर डिस्कस करेंगे। और फिलहाल के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।